synthesis part. First practical is the synthesis part. In the drug and dyes, means we have to synthesize the drugs, starting raw materials provide. Along with the starting materials, in our chemistry practicals, process to given. That's why means there is no nothing is hidden in these practicals. All this provided, all the things are provided. We have to perform this practical. ओके सारी चीजें हमको दी वाली है. हमको रिएक्टिंग मटेरियल देंगे, स्टार्टिंग मटेरियल देंगे प्रैक्टिकल में, को एपरेटस देंगे, हमको जो है प्रोसेस बता देंगे कैसा करना है. सिर्फ प्रोसीजर को फॉलो करके प्रैक्टिकल करना है. ओनली इन दिस वे वी हैव टू सी दिस ड्रग्स. So, drug and dyes are very simple. Okay, all the things are given here. So, first practicals, we have to synthesize the aspirin. Okay, analgesic drugs, aspirin, from the salicylic acids. From the salicylic acid. हमने जो सिला एस्प्रिन कहीं पढ़ा है क्या? हम देखिए इसका टू प्रिपेयर द एस्प्रिन फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड. आप सबसे लेते हैं किस तरह से आपको तैयार करना है एस्पिरिन. तो सैलिसिलिक एसिड का मालूम है OH ग्रुप और COH ग्रुप, द बोथ ग्रुप्स आर ऑर्थो टू वन अनदर, एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे है. ओके और साथ में हम यूज करेंगे केमिकल एसिड एसिटिक एनहाइड्राइड अलोंग विद द बेसिक कंडीशन दैट इज द कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. The acidic along with that is concentrated H2SO4, and then in this reaction acetylation takes place. And what will be changed here? Reactant में देखिए जो OH और COH दो फंक्शनल ग्रुप है वहां पर, तो OH का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होके वहां एसिटिल ग्रुप आ गया. इसी वजह दिया हुआ एसिटाइल और ये जो प्रोडक्ट है इसको हम एस्पिरिन बोलते हैं. इट्स अ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ द तैयार करना है. सारी चीजें यहाँ पे दिए वाली है, थेरी दिए वाली है. क्या दिए वाली है? सैलिक एसिड इज द फेनोलिक एसिड which on acetylation with the acetic anhydride in presence so for give the aspirin. मैंने आपको बता दिया रिक्वायरमेंट. आपको लगेंगे केमिकल्स, कौन कौन से केमिकल लगेंगे? सैलिसिलिक एसिड लगेगा, ओके एसिटिक अनहाइड्राइड लगेगा, H2SO4 लगेगा, वाटर लगेगा, कोनिकल फ्लास्क लगेंगे और वाटर बाथ लगेगा. मैंने इतने सारे चीज प्रोसीजर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस प्रैक्टिकल. प्रोसीजर कैसा इम्पोर्टेंट है कि प्रोसीजर के बगैर प्रैक्टिकल कर ही नहीं कि तब कब. टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके फर्स्ट क्या लेना है इम्पोर्टेंट है. ओके डाले रिएक्शन लगा दे वैसा नहीं है. ऑटोमेटिक वे जैसा प्रोसीजर में बताया हुआ है वैसा ही हमको करना पड़ेगा. तो प्रोसीजर क्या दी वाली है?
सबसे पहले आपको 2 ग्राम लेना है। अब वो 2 ग्राम जो है सप्लाई करेंगे सैलिसिलिक एसिड, ओके। तो वो जो 2 ग्राम सप्लाई सैलिसिलिक एसिड है वो आपको कोनिकल, अब उसके अंदर 4 cm क्यूब एसिटिक आना विथ द कॉन्स्टेंट शेकिंग ऑफ द फ्लास्क। यानी पहले जो सैलिसिलिक एसिड लिए थे वो पाउडर फॉर्म में था, एसिटिक एनहाइड्राइड ये लिक्विड फॉर्म में है। इसको जब ऐड करेंगे तो ऐसा ऐड करना है कि प्रॉपरली उसके अंदर मिक्सिंग हो। उसके बाद थर्ड पार्ट, 3 ड्रॉप्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड इन ऑर्डर टू इंश्योर द थ्रू आउट मिक्सिंग। सिर्फ 3 ड्रॉप एसिड के डालना है सिर्फ इसके अंदर, ताकि उसमें प्रॉपर मिक्सिंग हो, प्रोटोनेशन के लिए एसिडिक कंडीशन अवेलेबल हो। उसके बाद क्या करना है, फिर हीट द फ्लास्क ऑन द वाटर बाथ फॉर अबाउट द 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हीटिंग देना है, हीटिंग के टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है तो थर्मामीटर यूज करना पड़ेगा आपको, ओके। स्टर विद द ग्लास रॉड अबाउट द 15 मिनट्स। 15 मिनट तक आपको वो टेम्परेचर पे स्टर करते रहना है। अलाउ द रिएक्शन मिक्सचर टू कूल एंड ऐड 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द डिस्टिल वाटर एंड शेक इट वेल। कूल होने के बाद उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करना है। फिल्टर द सक्स ऑन द एट द सक्शन पंप एंड वॉश द प्रोडक्ट विद द कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर कई के लिए रिएक्शन स्टॉप करने के लिए वहां पर हम यूज करेंगे। ड्राई एंड वेट द क्रूड प्रोडक्ट्स एंड रिक्रिस्टलाइन द प्रोडक्ट यूजिंग द 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द हॉट वाटर बाथ। ड्राई द प्रोडक्ट एंड डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोडक्ट। अब मेल्टिंग पॉइंट हमारा बहुत जरूरी है यहाँ पर। अब मेल्टिंग पॉइंट क्यों लेना है, मेल्टिंग पॉइंट इसलिए लेना है कि वहाँ पर जो एस्प्रिन है उसका एस्प्रिन का मेल्टिंग पॉइंट हमको पता है, वेल नोन मेल्टिंग पॉइंट रहेगा उसका। अब ये जो प्रोडक्ट बना है ये प्रोडक्ट एस्पिरिन ही बना है या नहीं, ये कंफर्म करने के लिए भी ये एक वन ऑफ द क्राइटेरिया है कि मेल्टिंग पॉइंट अगर जो उसके आसपास शो करता है, 2 डिग्री कम 2 डिग्री ज़्यादा, नियर अबाउट उतना ही शो करता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो बना प्रोडक्ट है ये एस्पिरिन ही बना है, ओके। तो इससे पता चलता है हमको कि कितना एस्पिरिन बना है या नहीं बना है, ओके। ये हो गए इसके प्रोसीजर। उसके बाद कैलकुलेशन पार्ट है, यहाँ पर सप्लाइड क्वांटिटी दी वाली है, यील्ड कितनी मिली है वो आपको लिखना है। उसके बाद कैलकुलेशन करना है कि आपको सैलिसिलिक एसिड का फार्मूला है, उसका मॉलिकुलर वेट आता है 138 ग्राम ऑफ सैलिसिलिक एसिड में आपको 180 ग्राम ऑफ द एस्पिरिन मिलता है। 180 ग्राम ये मॉलिकुलर वेट है एस्पिरिन का, तो 2 ग्राम ऑफ सैलिसिलिक एसिड में कितने ग्राम मिलना चाहिए, तो उसके हिसाब से फिर वो वहाँ पर 2.608 मिलना चाहिए। इतना मिल गया तो 100% है। अब यील्ड निकालेंगे फिर आप उसके बेसिस पे, वेट ऑफ द क्रूड प्रोडक्ट 2.4 ग्राम, ओके। यानी 2.68 ग्राम ऑफ एस्पिरिन कंटेनिंग द 2.4 ग्राम ऑफ एस्पिरिन, देन 100 ग्राम ऑफ एस्पिरिन कितना होगा, तो ये आपको जो है क्रॉस कैलकुलेशन यूज करके आपको वहां पर प्रैक्टिकल करना है। और परसेंटेज ऑफ द यील्ड ये नियर अबाउट 85 से 95 के बीच में आना चाहिए, ओके। कि तो अगर जब 100% बताते हैं तो पॉसिबल नहीं है, एरर्स होते हैं हर किसी में, ओके। अगर जो 80 के नीचे भी जाते हैं, 80 तक भी बता सकते हैं आप, 80 के नीचे जाते हैं तो उसका मतलब आप कहीं ना कहीं हीटिंग में या फिर प्रॉपर मिक्सिंग में आपने थोड़ा सा गड़बड़ किए हैं, इस वजह से प्रोडक्ट उतना फॉर्म नहीं हुआ है। तो ज़्यादा भी नहीं चाहिए कम भी नहीं चाहिए, ये रेंज में आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो इस तरह से फिर आपका रिजल्ट आप लिखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट आपका जो भी रहेगा वो 136 डिग्री सेंटीग्रेड आया है तो 136 डिग्री सेंटीग्रेड आप जो उसका टेम्परेचर लिखेंगे, ओके। उसके बाद वेट ऑफ द प्रोडक्ट जो भी मिला आपको 2.4 ग्राम वो वेट लिखेंगे। थेरोटिकल यील्ड कितनी आनी चाहिए थी, थेरोटिकल यील्ड अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर वेट के हिसाब से कितनी आनी चाहिए थी
वो वहां पर मिल गई आपको, परसेंटेज यील्ड एक्चुअल में कितनी आई है वो आप यहाँ पर परसेंटेज में यहाँ पर देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर प्रैक्टिकल आप लोग करेंगे, और है सिंपल प्रैक्टिकल कि डिफिकल्ट है? तो अब उसके बाद ये था प्रैक्टिकल नंबर वन, जो हमने इसको समझने की कोशिश करे। आप देखते हैं सेकंड वाला प्रैक्टिकल नंबर सेकंड, वो है एबुप्रोफेन का। ओके, एबुप्रोफेन भी ड्रग है, एनाल्जेसिक ड्रग यूज करते हैं हम लोग। ओके, तो एबुप्रोफेन के अंदर भी हम जो है यहाँ पर किस तरह से प्रैक्टिकल करेंगे, मैं आपको सारे चीजें बताता हूँ। अब देखिए एबुप्रोफेन में किस तरह से करेंगे। पहले तो प्रैक्टिकल का जो है एम है एस्टिमेशन ऑफ एबुप्रोफेन। ओके, उसके बाद वहां पर एम दिया हुआ है, तो एम में क्या करना है, टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एबुप्रोफेन इन द गिवन सैंपल ऑफ A1 एंड A2। ओके, उसके बाद फिर थ्योरी दी वाली है कि आइबुप्रोफेन को यहाँ पर रिएक्शन करे अगर जो आपने इस ट्रीटेड विद द आइबुप्रोफेन की रिएक्शन KMnO4 के साथ होती है, कि NaOH एंड अनरिएक्टेड अल्कली इज डिटरमाइनिंग बाय टाइट्रेटिंग अगेंस्ट द स्टैंडर्ड HCl सॉल्यूशन। तो जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में से जो पार्ट मिलता है हमको मिलता है एक तो NaOH वहां पर, तो NaOH हम क्या करते हैं फिर उसको टाइट्रेट करके, और वो टाइट्रेशन के बेसिस पे हम वहां पे डिसाइड करते हैं कि कैसा उसका एस्टिमेशन है, यानी कितना कॉन्सेंट्रेशन में वो सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है। आवाज नहीं आ रहा है का? हेलो, है सर। आता है ना? जी सर, आ रहा है। डाउट हुआ, मैं लगा मेरा आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मैंने 2-3 मरतबा बात किया तो रिप्लाई नहीं आया, तो उससे डाउट हुआ मुझे। कभी कभी होता है ऐसा कि आवाज भी नहीं आता है। सर तो इस तरह से हम जो है ये पार्ट यहाँ पर स्टार्ट किए हैं। ओके, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा उसमें ब्लर हो, वापस से लिया है इसको। तो फिर आपको क्या करना है, भी सारी चीज़ें लिखना है, एम लिखना है, थ्योरी लिखना है, रिक्वायरमेंट में क्या क्या लगेंगे आपको, रिक्वायरमेंट आपको सकते, उसके बाद आपको लगेगा 0.1 नॉर्मल NaOH लगेगा, उसके बाद 1% फेनोफ्थेलिन लगेगा इंडिकेटर, उसके बाद आपको डिस्टिल वाटर लगेगा, उसके बाद एबुप्रोफेन टैबलेट लगेंगी जो कि हम जो है मेडिकल स्टोर से वहाँ पे परचेस कर कर लाएंगे, इथिल अल्कोहल लगेगा, 100 cm³ स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क लगेगा, 150 cm³ कॉनिकल फ्लास्क लगेंगे, सारी चीज़ें हम जो है लगेंगी वहाँ पे। अब प्रोसीजर किस तरह से कैसा परफॉर्म करेंगे, तो उसमें पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। फर्स्ट उसका जो स्टैंडर्डाइजेशन करना है हमको, तो क्या करेंगे, 100 cm³ ऑफ 0.1 नॉर्मल सक्सिनिक एसिड सॉल्यूशंस, वो जो है हम बनाकर वहाँ पे रखेंगे। ओके, यानी 0.59 ग्राम ऑफ द सक्सिनिक एसिड। अब ये फार्मूला है उसका तैयार करने का, कि 0.59 ग्राम ऑफ सक्सिनिक एसिड डिजोल्व इन 100 cm³ ऑफ द स्टैंडर्ड मेजरिंग फ्लास्क। अब इसमें से पिपेट आउट करना है तो आपको 10 cm³। ओके, आपके पास जो फ्लास्क है 150 cm³ का कॉनिकल फ्लास्क है, जिसमें 2-3 ड्रॉप आपको फेनोफ्थेलिन इंडिकेटर के डालने हैं,
और उसके बाद फिर इसको शेक प्रॉपरली करना है, उसके बाद टाइट्रेशन की प्रोसेस आपको स्टार्ट करना है। अब इसको टाइट्रेशन किसके साथ में करेंगे, तो NaOH सोल्यूशन के साथ में करेंगे। तो NaOH सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, 0.1 नॉर्मल का, जो कि आपको बना के दिया जाएगा वहाँ पे। इसके अगेंस्ट में आपको वहाँ पे परफॉर्म करना है। और जब कब तक आप रीडिंग्स लेना है, एंड पॉइंट विल बी द कलरलेस तक आपको रीडिंग। तो यहाँ पे रीडिंग दिए वाली है, देखिए रीडर 10.3 तीन रीडिंग लिए वाली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे वैल्यू जो आपको आ रही है वो कितने आ रही है, 10.3 की आपको यहाँ पे वैल्यू आ रही है। ओके, इनका पार रिएक्शन किस तरह से होंगी। ओके, जो सैलिसिलिक एसिड है वो सक्सिनिक एसिड है, उसकी रिएक्शन NaOH के साथ होती है, तो क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ। ओके, तो इस तरह से रिएक्शन यहाँ पे। बाद नेक्स्ट पार्ट आपको क्या करना है, गए आपको उसके बेसिस पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन भी करना है। ओके, एस्टिमेशन वाला पार्ट करना है। तो पार्ट सेकंड है एस्टिमेशन। अब सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, ट्रांसफर द गिवन सैंपल। ओके, अब जो आपके पास सैंपल तैयार है, अब द आइबुप्रोफेन क्यूब ऑफ द कॉनिकल फ्लास्क जो आपको दिया गया है सैंपल, जो आइबुप्रोफेन की टैबलेट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, तो वो जो सैंपल रहेगा उसको क्या करेंगे, 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे, डिजोल्व करेंगे, और 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ उसमें इथिल अल्कोहल डालेंगे, और 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द फेनोफ्थैलिक देंगे। टाइट्रेटेड इज NaOH सॉल्यूशन, वापस से यहाँ पे टाइट्रेशन करेंगे, फ्रॉम द ब्यूरेट एंड पॉइंट विल बी द कलरलेस टू पिंक। And similarly, repeat the above procedure for estimation of the second. जो calculation part है उसकी standardization की जो reading आएंगी वहाँ पर burette readings, वो readings को हम जो है क्या करेंगे, use करेंगे और यहाँ पर calculation part करेंगे। तो क्या लिख रहे हैं हम, देखिए solution in the burette क्या है, 0.1 normal. Solution in the conical flask, A1 sample, 25 centimeter cube of ethyl alcohol, 2 to 3 drops of the indicator. Indicator क्या use करें, phenolphthalein. End point क्या रहेगा, colorless to pink. Observation क्या मिला आपको, कि burette reading आपको मिली है 17.1. Okay. मिला है, अब देखेंगे कि solution in the burette, 0.1 normal. Solution क्या रहेगा, sample 2. Okay. उसके बाद इंडिकेटर फेनोप्थेलिन एंड पॉइंट वही रहेगा। तो कैलकुलेशन यहाँ पर सेकंड रीडिंग आपको आएंगे 20.5। अब आपको कैलकुलेशन करना है, करेंगे कि 10 से 1 नॉर्मल सक्सिनिक एसिड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 10.3 सेंटीमीटर की ऑफ NaOH सॉल्यूशन। 10.3 हमने स्टैंडर्डाइज करे थे स्टार्टिंग में, तो वहां से वैल्यू लेंगे 10.3 की। तो नॉर्मेलिटी ऑफ द NaOH इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिर यही जो वैल्यू है कि नॉर्मेलिटी निकालना है, तो हमको यहाँ पे सक्सिनिक एसिड की नॉर्मेलिटी मालूम है। ओके, तो नॉर्मेलिटी ऑफ द NaOH सॉल्यूशन निकालना है, तो सक्सिनिक एसिड का यूज करके यहाँ पे निकालेंगे। तो उसका वॉल्यूम कितना है सक्सिनिक एसिड का, 10 है। उसके बाद उसका जो नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.1 है। ओके, डिवाइडेड बाय x। अब x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 10.3, जो कि हमने स्टैंडर्ड वैल्यू निकाली थी वहाँ पे। डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.097 नॉर्मल, a की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएंगी। इसी तरह से सेम कैलकुलेशन हम करेंगे सेकंड के लिए। तो सेकंड के लिए A2 की वैल्यू आपको मिल जाएंगी 0.34 ग्राम ऑफ द आइबुप्रोफेन। इस तरह से दोनों की क्वांटिटी आपको मिल गई। उसके बाद थर्ड कैलकुलेशन आपको करना है, ओके, A1 और A2 के लिए के। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिली है हमको, कौन सी वाली, 0.0973। तो 0.0973 की जो वैल्यू है उसको आपको यूज करना है, कि तो स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो दोनों भी इसमें एक्सपेरिमेंट में A1 के लिए भी आप यूज करेंगे और A2 के लिए भी आप उसको यूज करेंगे, और उसके बेसिस पे फिर आप यहाँ पर रिजल्ट लिखेंगे कि नॉर्मलिटी ऑफ द गिवन NaOH सॉल्यूशन कितनी है वो लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, 0.097। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ द सैंपल आइबुप्रोफेन रिक्वायर्ड 17.1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.097 NaOH सॉल्यूशन।
उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द सैंपल ऑफ द आइबुप्रोफेन रिक्वायर्ड 20.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द 0.097 नॉर्मल एन ए सोल्यूशन, और लास्ट में लिखेंगे पॉइंट अमाउंट ऑफ आइबुप्रोफेन प्रेजेंट इन द सैंपल इज ए वन में कितना है 0.341 ग्राम, ए टू में कितना है 0.409 ग्राम। अब ये जो मेंशन रहता है, अभी टैबलेट अगर जो देखेंगे टैबलेट की स्ट्रिप स्ट्रिप जो देखेंगे स्ट्रिप के कवर पे भी लिखा हुआ होता है, क्या लिखा हुआ होता है कि इसके अंदर कितने ग्राम है। आइबुप्रोफेन की स्ट्रिप देखेंगे तो स्ट्रिप पे मेंशन रहेगा कि 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, 1 ग्राम है, आधा ग्राम, 0.500 मिलीग्राम है। तो उसके बेसिस से वही उसको ही कंपेरिजन करने के लिए हमने प्रैक्टिकल किए। तो जनरली कितना होगा फिर वो 500 मिलीग्राम की टैबलेट होंगी, तो हम जो है उसके नियर अबाउट गए हैं, इसके नियर अबाउट गए। थोड़ा सा हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट अपने परफॉर्मिंग है पार्ट वो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, तो 400 तक हम गए हैं, दूसरे इसमें 341 तक गए हैं। तो इस तरह से आपको जो है ये दो प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर